आप सभी को जय मसी की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है आज कुछ समय निकालकर हम परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे लेकिन उससे पहले एक क्षण हम लोग प्रार्थना करेंगे आइए अपने आँखों को बंद करें स्वर्ग के पिता इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद आज का दिन के लिए हम धन्यवाद प्रभु हम सब आपके बच्चे हैं आपके वचन को सुनना चाहते हैं सीखना चाहते हैं बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए ताकि आपके वचन की गूढ़ और गहरी बातों को हम समझ पाए आदर और महिमा आप ही को मिले ईशु के नाम से हम मांगते हैं आमे आज हर जगह ईस्टर संडे कर कर मनाया जाता है ईस्टर वो दिन है जिस दिन ईशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह फिर से जी उठा हम सब जानते हैं कि ईशु मसी साढ़े तीन साल इस पृथ्वी में रहकर सेवा किया तीस साल से लेकर साढ़े तैतीस साल तक ईशु मसीह ने सेवा किया उसके बाद यीशु का मृत्यु हुई को उस क्रूस पर चढ़ाया चड़ा, गया ईशु मसीह ने वहां पर अपना जान दे दिया क्यों दे दिया ताकि हम जैसे पापी ईशु मसीह पर विश्वास कर कर उद्धार पा सके लेकिन वहां पर यह कहानी समाप्त नहीं होता है तीन दिन बाद ईशु मसीह फिर से जी उठता है और ईशु मसीह आज जिंदा परमेश्वर है आज मरे हुओं के लिस्ट में ईशु का नाम नहीं है लेकिन ईशु मसीह आज जिंदा परमेश्वर है और वही परमेश्वर आज मेरे साथ और आपके साथ है मेरे प्रियो जब लोग ईस्टर को मनाते हैं हालांकि हम कोई दिन सेलिब्रेट नहीं करते हैं लेकिन अगर आप ईस्टर को मना रहे हैं लेकिन ईशु मसीह का पुनरुत्थान का कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है तो वो व्यर्थ है इसलिए आज हम लोग सीखेंगे कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान के समय पर यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले और अन्य लोगों के साथ उनके जीवन में कौन कौन सा बदलाव हुआ कौन कौन से आत्मिक आशीषे उन लोगों ने पाया वही सारी बातें हमारे जीवन में भी वो लागू है इसलिए उनके जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे सबसे पहले हम युहना के सुसमाचार और मरकुस के सुसमाचार से दो आयतों को पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार उसका सोलहवीं अध्याय और एक से लेकर तीसरी आयत मार्क चैप्टर सिक्सटीन वर्स वन टू थ्री में आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मकदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुड़काएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस दिन का पुनरुत्थान का दिन दिन था, उस सुबह भोर को कुछ के के शरीर के पास जा हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है उनके सामने ये समस्या है कि उस कब्र के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर को रखा गया है तो ये बहने आपस में पूछ रहे हैं कि ये बड़ा पत्थर को कौन हमारे लिए हटाएगा सबसे पहली बात तो उनके पास इतना शारीरिक ताकत नहीं है कि वो बड़ा चट्टान जैसे पत्थर को वो लोग हटा पाए और दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर रोमी सरकार का मोहर लगा हुआ है सील लगा हुआ है इसलिए ये बहनों के सामने इतनी बड़ी समस्या है कि सरकार के मोहर को तोड़कर हम अंदर जा नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी वो लोग विश्वास के साथ उस कब्रिस्तान में गए ये बहनों के अंदर ये चिंता है कि ये असंभव बात है कि कैसे हम लोग इसके सामना करेंगे हमें तो ईशु के शरीर के पास जाना है लेकिन हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि वो पत्थर कौन हमारे लिए हटाएगा इस प्रकार के सवाल को सोचकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मुझे अचंभित करने वाली बात यह है इतनी बड़ी समस्या लेकिन फिर भी वो लोग कदम उठाकर आगे जा रहे हैं फिर हम युहना के सुसमाचार में उसके बीसवा अध्याय और पहली आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ जॉन चैप्टर ट्वेंटी वर्स वन सप्ताह के पहले दिन मरियम मकदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा मेरे प्रियो यहां पर ये बहने जब कब्र के पास पहुंच गए तब उन्होंने देखा कि कब्र के पास या कब्र के उस ओपनिंग पर जो पत्थर लगाया गया था वो पत्थर पहले ही लुड़का हुआ है देखिए मेरे प्रियो यहाँ पर ये बहनों के जीवन में जो असंभव परिस्थिति था जो बहुत कठिन परिस्थिति था वो परिस्थिति अपने आप निकल गया और अब उनके लिए राह खुल गया कि वो लोग अंदर जाएं और ईशु के शरीर पर वो सुगंधित वस्तु मल ले मेरे प्रियो युसी का पुनरुद्धान या जो ईस्टर का दिन है वो इन बहनों के लिए और अन्य चेलों के लिए भी एक बहुत आशीष का दिन था क्योंकि जो बात उन्होंने सोचा था हमारे लिए असंभव है वो परमेश्वर ने उनके लिए संभव कर दिया मेरे प्रिय भाई बहनों मेरे वचन को जो आज आप लोग सुन रहे हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ आज आपको लग रहा होगा ये परिस्थिति मेरे जीवन में बहुत कठिन है कोई भी इंसान मेरा मदद नहीं कर सकता है क्योंकि ये इंसान के क्षमता के बाहर है लेकिन आज मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूं कि यीशु मसीह से असंभव कुछ भी नहीं है आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो आज आपके परिवार में संतान नहीं होगा आप डॉक्टर्स के पास जा रहे इलाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी आप सफलता को देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी है जो इंसान से असंभव है जो डॉक्टर से असंभव है राजाओं का राजा वो परमेश्वर हमारे साथ आज जिंदा है और वो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा आपकी असंभव बात क्या है आज आपके परिवार टूटने पर डिवोर्स तक आप पहुंच गए हैं आपके परिवार में हर दिन लड़ाई झगड़ा है और आप सोच रहे हैं कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं कोई भी इंसान हमारा मदद नहीं कर सकता है लेकिन आज परमेश्वर आपके परिवार में कार्य कर सकता है मेरे प्रियो अगर आप उन जवानों में हैं जो सोच रहे हैं मुझे आगे पढ़ना है लेकिन मेरे पास उतना फाइनेंस नहीं है मैं कैसे आगे बढूं तो आज फिर से आपके लिए हिम्मत है परमेश्वर असंभव बातों को संभव कर देगा और वो आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं उन बहनों के तरफ विश्वास के कदम को उठाइए ईशु के पास जाइए और ईशु के सामने रोइए कैसे जाएंगे आप ईशु के पास कहाँ जाना है बस जहां कहीं आप बैठे हैं आप अपने कमरे में होंगे अपने घुटने पे जाइए अपने हाथों को उठाइए और प्रभु से कहिए प्रभु मैं लाचार हूं कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है ये बहनों के सामने इतना बड़ा समस्या कौन वो पत्थर हटाएगा क्योंकि रोमी सरकार का मोहर लगा है उसके ऊपर अगर हम कोई ना कोई मिलकर हटा भी ले तो भी उन पर दंड होगा क्योंकि उन्होंने उस सील को तोड़ने की कोशिश किया लेकिन राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु के पास कोई भी असंभव बात नहीं है मेरे प्रियो आज आपकी कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो आज अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहे प्रभु आप मेरी मदद करना मैं आपके पास आया हूं मैं आपके पास आई हूं जब आप दिल से पुकारोगे वो परमेश्वर जो आपसे इतना प्रेम करता है वो आपके पास उतर कर आएगा और आपकी परिस्थिति में एक बदलाव लेकर आएगा वो परमेश्वर बंद दरवाजे खोलेंगे वो परमेश्वर आपका फ्यूचर को आशीषित करेगा आज ये आशा प्रभु का वचन हमें देता है कि यीशु मसी जिंदा परमेश्वर है जो हमारे लिए असंभव बातों को संभव कर देगा दूसरी बात यह है युहना के सुसमाचार उसका बीसवा अध्याय और ग्यारहवीं आयत जॉन चैप्टर ट्वेंटी वर्स इलेवन परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक देखने देखने लगी देखिए मेरे प्रियो सबसे पहला हमने देखा कि ये बहने चिंतित थे कि कौन हमारे लिए पत्थर लुढ़काएगा फिर वो लोग गए तो पत्थर लुढ़का हुआ था बड़ी खुशी बड़ी आनंद लेकिन फिर अगला उनके साथ क्या हुआ जब वो लोग अंदर देखते हैं उनको एक बात समझ में आती है जो इनको चौका देता है और वो ये है कि यीशु का शरीर वहां पर नहीं है मतलब जिस मकसद के साथ वो लोग आए थे वो पूरा नहीं होगा उनको ये बात समझ नहीं आई थी कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है इसलिए ये बहन बाहर खड़ी होकर रो रही हैं कि कहा मेरे ईशु को लेकर गया है क्या हुआ है मेरे यीशु के शरीर के साथ कौन चुराया है किसने ये गंदी काम किया है इस प्रकार की बातों को सोचकर ये बहन यहाँ पे रो रही है लेकिन ये बहन ये नहीं जानती है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तब ये बहन झुककर जब देखती है कब्र के अंदर तब वहां पर श्वेत कपड़े पहने हुए दो लोग हैं दो स्वर्गदूत हैं और वो कहते हैं कि यीशु यहाँ पर नहीं है यीशु मसीह फिर से जी उठा है फिर जो है मरियम दुखी मरियम को समझ में आता है ये स्वर्गदूत ने क्या कहा फिर भी जो है दुखी होकर जब ये बहन खड़ी है कोई उनसे बात करने लगता है बाद में उसको समझ में आता है वो ईशु मसीह है और यहां पर उसे बहुत खुशी हो जाती है देखिए मेरे प्रियो हमारे जीवन में भी बहुत से वक्त हम दुख से होकर जा रहे होंगे यहां पर मरियम के जीवन में भी वो दुख से होकर जा रही हैं, वो ऐसे रो रही है कि किसने मेरे साथ ऐसा काम किया उस यीशु से जिन जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ किसने यीशु का शरीर को लेकर गया किसने चुराया ये दुख से जब वो होकर जा रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको बस दुख है उसके जीवन में मेरे प्रियो हम में से भी बहुत से लोग इस समय दुख से होकर जा रहे होंगे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है हो सकता है आपने अपने प्रियजन को खोया होगा हो सकता है आपके बच्चे इस समय पर गलत रास्ते में चल रहे हैं आपकी बातों को मान नहीं रहे हैं हो सकता है आपने इस समय पर यह फाइंड आउट किया है कि आपके साथ धोखा हुआ है या आपने इस बात को अपने जीवन में फाइंड आउट किया है कि मेरा फाइनेंस डूब गया है और आप बड़े दुख में हैं आप रो रहे हैं और सोच रहे हैं क्यों प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ लेकिन हमें इस घटना को याद करना है जब यह बहन रो रही है और जब वो झुक कर देख रही है तब उसने स्वर्गदूत को देखा फिर उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होता है वो एक बड़ी सच्चाई उसके जीवन में प्रकट होता है और वो सच्चाई सिर्फ उसके साथ सीमित नहीं है और उनसे कहा जाता है इस बहन से कहा जाता है जाओ चेलों को भी इस बात को बताओ मेरे प्रियो हमारे जीवन में होने वाला दुख हमें प्रभु के और करीब लेकर आता है जैसे ये बहन का मुलाकात ईशु के साथ हुआ वैसे ही प्रभु की गहरी गहरी बातों को गूढ़ बातों को गुप्त बातों को हमारे सामने तब प्रकट होगा जब हम दुख के समय से होकर जा रहे होते हैं मेरे प्रिय बहनों मेरे प्रिय भाइयों आज का दुख आपका कल का आशीष है आज आप दुख से होकर जा रहे हैं आप निराशा में डूब नहीं जाना लेकिन एक बात आपके मन में आप ठान लेना कि आज का दुख मेरा कल का आत्मिक आशीष है तो जो भी दुख से आप होकर जा रहे हैं हिम्मत रखिए कि परमेश्वर कल का दिन आपको एक आशीष के लेवल में ले जाने वाला है मेरे एक बहुत बड़ी दुख जो है कलिसिया के साथ भी हुआ था जब सारे चेले प्रचार कर रहे थे कलिसिया के लोग जो है आपस में प्रेम के साथ एकता के साथ रह रहे थे परमेश्वर का वचन हर जगह फैल रहा था हम देखते हैं पहले तीन लोग बप्तिस मालिया फिर पांच लोग इस प्रकार जो है प्रभु के लोगों की संख्या बढ़ रही थी लेकिन वहां पर जब खुशी का एक माहौल था फिर एक बहुत बड़ा दुख या बहुत बड़ा एक टेंशन का माहौल आ जाता है एकदम से सताव लोगों पर शुरू हो जाती है हम देख सकते हैं पौलुस जो है लोगों को बहुत परेशान करने लगा वो जो है घर-घर जाकर लोगों को घसीटकर जेल में डालने लग जाता है इतने अच्छे माहौल से जब लोग होकर जा रहे थे फिर एक बहुत बड़ी संकट उनके जीवन में आया वो लोग सोच रहे होंगे क्यों प्रभु इतनी बड़ी परेशानी क्यों वो लोग प्रार्थना कर रहे होंगे वो लोग छुटकारा के लिए मांग रहे होंगे मदद के लिए मांग रहे होंगे लेकिन आपको पता है वहां पर क्या हुआ सारे लोग तितर बितर हो गए और जहां पर भी ये लोग तितर बितर हो गए वहां पर वो लोग वचन सुनाने लगे वहां पर वो लोग एक एक कलिसिया शुरू करने लगे तो अभी हम जब वचन पढ़ते हैं हमें ये समझ में आता है कि वो परेशानी वो सताव जो चेलों के ऊपर आया वो उनकी भलाई के लिए था क्योंकि परमेश्वर का वचन और भी देशों में फैल गया मेरे प्रियो हमारे जीवन में जब भी परेशानी आता है हम लोग जो है उसको समझ नहीं सकते हैं लेकिन कुछ सालों बाद जब हम मुड़कर देखेंगे तब हम समझ सकते हैं हाँ ये दुख मेरे जीवन में हुआ मेरे भलाई के लिए हुआ दाऊद भजन संहिता में कहता है कि जो दुख मेरे लिए हुआ वो मेरे भलाई के लिए था जिससे मैं तेरी विधियों को सीख पाऊं देखिए दुख से जब दाऊद होकर गया तो लास्ट में उसका नतीजा क्या था उन्होंने परमेश्वर के विधियों को सीखा आज मेरे प्रियो मैं और आप अलग अलग दुख अलग अलग परेशानी से होकर जा रहे होंगे ईशु का पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं होगा हम दुख से होकर जाते हैं लेकिन परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है वो दुख बाद में आपकी भलाई बन जाएगा बाद में आपका आशीष बन जाएगा मेरे प्रियो क्या आप टूटे हुए परिवार में से एक जन हो और आज आप रो रहे हो तो मेरे प्रियो कुछ समय बाद आप ऐसे इंसान बनोगे जो टूटे हुए परिवार वालों को आप हिम्मत देकर उनको एक बना ले परमेश्वर आपके दुख को इस्तेमाल करता है ताकि दूसरे लोग आशीषित हो जाए ये बहनों के जीवन में भी देखिए वो लोग दुखी हैं वो लोग रो रहे हैं लेकिन अब यीशु मसीह उनसे कहता है उस बहन से कहता है कि जा और चेलों से बता यहां पर मसीह उस बहन को इस्तेमाल करता है वो दुखी बहन को तो हमारा दुख हमें बनाने के लिए है हमारा दुख हमें रूप देने के लिए है हम कुम्हार के हाथ की मिट्टी हैं, प्रभु जिस प्रकार हमें चाहता है उस प्रकार हमें आगे बढ़ाएगा इसलिए मेरे प्रियो कभी भी इस बात से निराश नहीं होना कि हम बड़े दुखी लोग हैं ये समस्या है वो समस्या है ये बीमारी है ये टेंशन है ये कर्ज है ये प्रॉब्लम है नहीं आपका हरेक प्रॉब्लम्स आपको परमेश्वर के और करीब लेकर जाएगा और आपके हरेक प्रॉब्लम्स आपको कुछ कुछ आत्मिक गहरी गूढ़ बातों को सिखाए फिर हम तीसरी बात को देखते हैं मती के सुसमाचार उसका अट्ठाईसवीं अध्याय और पांचवी आयत मैथ्यू ट्वेंटी स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो मैं जानता हूं कि तुम ईशु को जो क्रूज पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो यहां पर ये बहनों के अंदर एक डर था एक भय था पहले हमने देखा दुख था अब अगला भावना जो उनके जीवन में है वो है भय डर अब स्वर्गदूत उनसे कहता है मत डरो फिर हम 28 के 10 में भी देख सकते हैं तब ईशु ने उनसे कहा मत डरो देखिए मेरे प्रियों, के के कारण अपने चेलों से ईश्मसी अपने प्रेम करने वालों से कहता है मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं देखिए मेरे प्रियो भय ऐसा एक बात है जो इस संसार में बहुत से लोगों को परेशान करता है लोगों को डर लगता है अलग अलग विषयों से वो लोग डरते हैं कुछ लोग अपने भविष्य से डरते हैं कुछ लोग अभी के परिस्थिति से डरते हैं अपने हालातों से डरते हैं कुछ लोग किसी और लोगों से डरते हैं कुछ लोग बीमारियों से डरते हैं कुछ लोग मौत से डरते हैं कुछ लोग दुष्ट शक्तियों से डरते हैं इस प्रकार के अलग अलग भय इंसान को सताता है लेकिन ईशु मसीह आज जी उठा और ईशु मसीह का संदेश हमारे लिए ये है कि मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्रियो, आपका भय कुछ भी क्यों ना हो अपने आप से कहो मुझे नहीं डरना है है क्योंकि मेरे साथ है। चाहे आप अकेले रहते हैं चाहे आपको अकेले सफर करना है चाहे आपके साथ ने, कोई भी नहीं है सब आपके खिलाफ है तब भी परमेश्वर का वचन आपसे कहता है मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूं बहुत से वक्त लोग जो है दुष्ट शक्तियों से भी डरते हैं उनको लगता है कुछ दुष्ट आत्मा है जो मुझ पर हमला कर रहा है जो मुझे टारगेट कर रहा है मेरे परिवार को तोड़ रहा है मुझे बुरे बुरे सपने लेकर आ रहा है इन सारे प्रकार के एक भय लोगों को परेशान करता है लेकिन मेरे प्रियो शैतान को हराया हुआ परमेश्वर मेरे साथ है शैतान को हराया हुआ परमेश्वर आपके साथ है तो हम जैवंत से भी बढ़कर है हमें किसी चीज से डरना नहीं है भजन संयुक्त संहिता 91 का कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं बजन संहिता 91 और उसके नो दो तीन चार आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ मैं युवा के विषय कहूंगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है क्या हम बोल सकते हैं परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है फिर यहां पर लिखा है वो मेरा परमेश्वर है मैं उस पर भरोसा रखूंगा चाहे मेरे लिए मेरा परिस्थिति अच्छा हो या बुरा हो चाहे मेरे लिए आशीष हो या आशीष की कमी हो तब भी मेरा भरोसा परमेश्वर पर रहेगा ऐसे कहने वाले लोगों के लिए आशीष यह है वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा फोर्थ आयत वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा उसकी सच्चाई तेरे उड़ता है इस प्रकार बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखा है मतलब हमें डरने की जरूरत नहीं है हमारा भरोसा परमेश्वर है हमारा स्थान हमारा रहने का जगह परमेश्वर ने अपने पंखों के आड़ में हमें छुपाया है तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि हम परमेश्वर के शरण स्थान में वास करता है और उसके बावजूद भी अगर आप दुख उठा रहे हैं आप क्लेश उठा रहे हैं आप हमला झेल रहे हैं हमेशा आप याद रखना आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं परमेश्वर की जानकारी बिना कुछ भी आपके जीवन में नहीं हो सकता ये बहुत बड़ी हिम्मत आपके साथ होना चाहिए जो मेरे साथ हो रहा है वो परमेश्वर जानता है तो मुझे किस बात की चिंता मैं तो प्रभु की बेटी हूँ और परमेश्वर मेरा ख्याल रखता है तो मेरे जीवन में जो होता है परमेश्वर जानता है परमेश्वर की अनुमति के साथ हो रहा है लेकिन प्रियो याद रखना शैतानी शक्ति आपको छू नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से आपको ढप कर रखा है लेकिन आज आप इस प्रकार के हमला को महसूस कर रहे हैं तो जरूरी है आप परमेश्वर के पास जाइए क्योंकि आपके जीवन में कोई ना कोई ना ऐसा पाप होगा जिसके कारण शैतान आप पर हमला कर रहा है तो प्रभु, से जाकर है, प्रभु मुझे अपने पंखों के नीचे आप मुझे छिपा कर रखना इस शैतानी हमले से मुझे बचाना इस बुरे सपनों के सिलसिले से मुझे बचा लेना परमेश्वर पिता यह बुरे विचार से मुझे बचा लेना परमेश्वर पिता मेरे परमेश्वर आपको बचाएगा परमेश्वर आपको बचाएगा क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है देखिए हर एक माता पिता अपने बच्चों को बचाता है उनको सुरक्षा देने की कोशिश करता है भले उनका एक सीमा है तब भी वो लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर का कोई सीमा नहीं है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो परमेश्वर आपको आपके भय से छुड़ाएगा आपका कुछ भी भय क्यों ना हो आप बच्चों के बारे में आप सोचते हैं और आपको डर लगता है आपके फ्यूचर के बारे में सोच के आपको डर लगता है या इस समय की परिस्थिति लॉकडाउन के बारे में आप सोचकर या आप वैक्सीनेशन के बारे में सोचकर या कोरोना के सिचुएशन को सोचकर परमेश्वर आपके साथ है क्योंकि मसीह जिंदा परमेश्वर है जिन्होंने मृत्यु पर जय पाया है आगे हम देखेंगे अब ये बहनें बड़े आनंद के साथ चेलों के पास जाते हैं और चेलों को ये बात बताता है और उसके बाद कुछ कुछ घटना होता है फिर एक बात ऐसा होता है जहां पर ईशु में से चेलों को प्रकट होता है लेकिन उनके साथ उस समय पर थोमा नाम का चेला नहीं होता है तो थोमा को जब पता चलता है थोमा कहता है मैं तो विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं यीशु के हाथ में उस खील का निशान को नहीं देखूंगा तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा यहां पर थोमा के अंदर एक शक है क्या ये सच में यीशु है क्या मेरे साथियां जो है कुछ भ्रम में तो नहीं पड़े हैं क्या हो रहा है उनके साथ यहां पर थोमा इस बात को विश्वास नहीं किया कि मसीह जी उठा है लेकिन आपको पता है कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद यीशु मसीह जब चेलों को प्रकट होता है उसमें थोमा भी होता है और ईशु थोमा से कहता है देखो मेरे हाथ को उसमें तुम अपने उंगली डालकर देखो कि या या क्या ये छेद सच है या नहीं है वहां पर थोमा विश्वास करता है कि यीशु मसीह फिर जी उठा है यहां पर मेरे प्रियो हम देख सकते हैं यीशु मसीह जी उठने के बाद थोमा के शक को दूर करता है डाउट को दूर करता है मेरे प्रियो मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे शक हैं। क्या हम ये बात कर सकते हैं क्या हमारा बच्चे अच्छे से जी सकते हैं क्या मैं अपने ड्यूटी के जगह पर प्रमोशन पा सकता हूं क्या मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकता हूं आपके मन में यह सब प्रकार की सोच चल रहा होगा लेकिन आपको यह बात समझना होगा कि ईश्वर मसीह आपको शक में नहीं रखता है ईश्वर मसीह आपको आपके शक से आपके डाउट से आपको निकालता है शक कौन डालता है आपके अंदर हमेशा याद रखिए ईश्वर मसीह चाहता है कि हमारे अंदर विश्वास रहे विश्वास और डाउट शक करना ये दोनों जो है विलोम शब्द है उल्टा मतलब को रखने वाला शब्द है अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपके अंदर शक नहीं होगा और अगर आपके अंदर शक है तो आपके अंदर विश्वास नहीं होगा देखिए इब्रानियों की किताब उसके ग्यारहवीं अध्याय और छठवीं आयत में इस प्रकार लिखा है सिक्स, कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है शैतान जानता है कि विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते इसलिए शैतान की पूरी कोशिश यह है, है कि हमारे अंदर से विश्वास निकाल दे इसलिए शैतान क्या करता है अपना एक एक शक को हमारे मन में डाल देता है फिर हम सोचने लगते हैं क्या ये उद्धार सच है क्या यीशु मसीह सच में जी उठा इस प्रकार की गलत सोच शैतान आपके मन में डालेगा तो आपको क्या करना है उस समय पर इन सारी सोचों को लेकर आपको समझना है कि ये मेरा सोच नहीं है ये ईशु की ओर से सोच नहीं है ये शैतान की ओर से सोच है तुरंत बोलना ईश्व के नाम से ये सोच निकल जाए वो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी हो सकता है आपके अंदर एक शक क्या इस बीमारी से मैं ठीक हो सकता हूं क्या मैं ये कर सकता हूं शैतान आपके अंदर शक डालेगा और बोलेगा अरे तुम तो इस काबिल नहीं हो तुम ये काम नहीं कर सकते हैं तुम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हैं प्रभु तुमसे बात नहीं करेगा इस प्रकार की बातें इस प्रकार का शक शैतान डालता है लेकिन मेरे प्रियो आप प्रभु पर विश्वास कीजिए ऐसे शक के लिए अपने मन में बिल्कुल भी जगह नहीं देना शैतान कहेगा कि तुम फ्यूचर में कामयाब नहीं होंगे लेकिन आप बोलना परमेश्वर मेरे साथ है मेरा फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में है परमेश्वर सब कुछ मेरी भलाई के लिए ही करता है देखिए ईश्वर मसीह बहुत से लोगों को जब चंगाई देता है उस समय पर कहता है तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है मेरे क्या आज मेरे अंदर और आपके अंदर उतना विश्वास है एक इंसान है जो यीशु के पास आता है और अपना बेटे के लिए मांगता है और कहता है कि मेरा बेटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम है दुष्टात्मा का दिक्कत है आपसे हो सकता है तो उसे ठीक कर देना तब ईशु में सिख पूछता है क्या मैं कर सकता हूं बाद में वो इंसान को समझ में आता है वो कहता है प्रभु मेरे विश्वास की कमी का इलाज कर यीशु मसीह वहां पर उसे चंगाई देता है मेरे प्रियो अगर आज आपके अंदर विश्वास की कमी है तो उस बात को कबूल कीजिए प्रभु के सामने प्रभु से कोई बात छिपाना नहीं क्योंकि प्रभु सब कुछ जानता है जब हम कबूल करते हैं इसका मतलब है हम नम्र होते हैं और प्रभु से बोलते हैं प्रभु आपकी मदद की हमें जरूरत है तो प्रभु से कहिए प्रभु आज मेरे अंदर उतना विश्वास नहीं है प्रभु आप मेरे अंदर विश्वास भर दीजिए जब आप ऐसे बोलोगे तब परमेश्वर अपना विश्वास से आपको भर देगा विश्वास कीजिए कि आप आशीषित हो जाएंगे विश्वास कीजिए कि आपके परिवार आशीषित होंगे विश्वास कीजिए कि आपके नौकरी के जगह पर आप का आपके बच्चे प्रभु के लिए महान कामों को करेंगे जब आप विश्वास करते हैं उन बातों को आपके मुंह से मुंह से बोलिए आप श्रापित शब्दों को अपने मुंह से नहीं बोलना लेकिन इस प्रकार बोलना प्रभु धन्यवाद कि आप हमारे परिवार को आशीषित बनाने वाले हैं प्रभु धन्यवाद कि आप मेरे जीवन को इस्तेमाल करने वाले हैं प्रभु धन्यवाद कि आप अपने वरदानों से मुझे भरने वाले हैं प्रभु धन्यवाद कि मेरे द्वारा आप अपने वचन को दूसरों के पास पहुंचाएगा इस प्रकार के विश्वास के शब्दों को कहिए शैतान के शक पर विश्वास नहीं करना लेकिन प्रभु के बातों पर विश्वास करना और शैतान के खिलाफ लड़कर परमेश्वर के मदद के साथ जय पाकर आगे बढ़ना ईशु मसीह जिंदा है इस बात में आप आनंदित हो जाइए आपका आनंद कोई शराब या कोई नशे में नहीं होना चाहिए आपका आनंद परमेश्वर में होना चाहिए और परमेश्वर का आनंद हमारा बल है इसलिए आप आनंदित हो जाइए प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दें जय मसीह की